हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चन 6 जुलाई के हैं। जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोस के अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएँ, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत खेल प्राधिकरण का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा स्पोर्ट्स इंडिया। अब इसे स्पोर्ट्स इंडिया या भारतीय खेल के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो इसमें आंसर आएगा इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट द्वारा अगरतला हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा अगरतला हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर हवाई अड्डा अगरतला किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2018 तक देश में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक काम कर रहे हैं? तो इसमें आंसर आएगा देश में 56 RRB यानी रीजनल रूरल बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी मानव संसाधन मंत्रालय और किस बैंक का संयुक्त उद्यम है? तो इसमें आंसर आएगा केनरा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने 2018 में धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम स्पॉट प्राइस बढ़ाकर कितने रुपए प्रति क्विंटल किया है? तो इसमें आंसर आएगा 200 रुपये प्रति क्विंटल। बजट 2018-19 में 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य को हासिल करने के लिए जरूरी कृषि नीति में बदलाव करने के संकेत दिए गए थे। बजट में बेहतर आय सृजन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए न्यूनतम कमीशन मूल्य की सिफारिश करने के लिए किस आयोग की आदेश है? तो इसमें आंसर आएगा कृषि लागत और मूल्य आयोग, और यह जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल एप्लीकेशन खान प्रहरी CMPDI रांची और निम्नलिखित संस्थान में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा खान प्रहरी नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो इसमें आंसर आएगा यह पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 2022 तक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए कितने बजट को मंजूरी दी है? तो इसमें आंसर आएगा 1,00,000 करोड़ रुपये को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने कुल 2,13,734 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जिसमें किसानों का कितना कर्ज माफ करने की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा किसानों का 34,000 करोड़ रुपये कर्ज माफ करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पोषण अभियान की शुरुआत की गई? तो इसमें आंसर आएगा पोषण अभियान गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा पूर्ण परियोजना की शुरुआत की गई? तो इसमें आंसर आएगा पूर्ण परियोजना गुजरात राज्य द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा हाल ही में सी विजिल नामक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? तो इसमें आंसर आएगा सी विजिल मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दसो शेरिंग टॉप के भारत के 3 दिवसीय दौरे पर है, यह किस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री है? तो इसमें आंसर आएगा दसो शेरिंग टॉप के भूटान के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों का डोप टेस्ट अनिवार्य कर दिया है? इसमें आंसर आएगा पंजाब सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपो कॉपीराइट संधि 1996 को कानून के रूप में मंजूरी दे दी है, यह किससे संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा विपो कॉपीराइट संधि इंटरनेट और डिजिटल कॉपीराइट से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्रियों का सम्मेलन 3 से 6 जुलाई 2018 तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसमें आंसर आएगा उलन बटोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हाईकोर्ट ने हवा, पानी और जमीन पर रहने वाले जीव जंतुओं की सुरक्षा हेतु उन्हें इंसानों की तरह कानूनी दर्जा देते हुए राज्य के नागरिकों को उनका स्थानीय अभिभावक घोषित किया है? तो इसमें आंसर आएगा उत्तराखंड हाईकोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा एल नरसिम्हा रेड्डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WIPO यानी विपो कॉपीराइट संधि निम्नलिखित में से किस सम्मेलन के तहत एक विशेष समझौता है? तो इसमें आंसर आएगा बर्न सम्मेलन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को किस वर्ष भारतीय कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था? तो इसमें आंसर आएगा 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही थाम लुआंग नांग नान किस देश से संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा यह थाईलैंड से संबंधित है। कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में से आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आपका पहला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2018 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए जा रहे हैं? ऑप्शंस हैं दिल्ली, सिंगापुर, जकार्ता, पेइचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक को RBI ने हाल ही में भारत में काम करने का लाइसेंस जारी किया है? ऑप्शंस है बैंक ऑफ अफ्रीका, बैंक ऑफ श्रीलंका, बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पोलावरम परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शंस है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल स्टडी जोन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स, और सब्सक्राइब के साथ आप नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इस पर जाकर हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियोज आप तक फेसबुक के द्वारा भी पहुंच सके।